ये प्रोजेक्ट्स जिला मुजफ्फरगढ़ के सैलाब से मुतासर लोगों की बहाली में इनकलाबी प्रोजेक्ट साबित हुए, जिन्हें शफाफ और मुनज़्ज़म तरीके से सरंजाम दिए जाने की वजह से भरपूर पजीराई मिली और सैलाब से तबाहाल लोग इन प्रोजेक्ट्स की बदौलत बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े हो गए। इन प्रोजेक्ट्स की अफादियत और अहमियत का अंदाज़ा इनसे मुस्तफीद होने वाले अफराद की गुफ्तगु से बखूबी लगाया जा सकता है। सब केबीएल ने सब चीज़ दी है बेटा, खाद दीती ने, बीज दीते ने, ट्यूबवेल बनाए, तेल पाते ने, पीटर बनाए ने, खादे बनाए ने, सारे काम किए, खाले बनाने पंच होते, सारा काम ही ना किए। आपने बहुत ज़्यादा मदद की, बीज भी दिया, हमारे पास भी बीजे हुए हैं और बहुत यानी कि हम बेच भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। पानी सूख के ऊँ तो बाद वाले इमदाद शुरू थी गए साढ़े को, ये के बी वाली कंपनी भाई साहब आए, उन्हें आके साढ़े को जमीन बनवाए, जमीन बनवा के इन्हें साढ़े को सब्जियाँ रवाए, असर रहें, वो अल्लाह पाक ने करम की है, वो सब्जी थी गई है, जड़न थी गई है, असा आप भी खादी है, असा बेच भी है, जड़न बेच दे कहीं ज्यादा तई है, उन्हें कहीं कुकड़ गिदी है, कहीं बकरी गिदी है, कहीं को ज्यादा पैसे चाहिए तो ज्यादा कोई चीज़ गिदी है। एनजीओज आई है, उन्हें आके सारी बड़ी मदद की है, बहु हेल्प की है, बहु सारी खाद बीज लीते हैं, असा अपना पेरें दे खड़े थे हैं, तेल लीते ने, पीटर आके बनाए ने, जिन्हें बोर मिसमार थी गए, टुट गए, बोर आके बनाए ने, खाले बनाए ने, असा मंगने वाले कोई ना से इन्होंने जेड़े साकू आके सारे काम किए और खुद असा मजदूरी की है, सारे बच्चे मजदूरी करते खाले उत्ते हैं, ट्यूबवेल ते अगे पिछे जरा ना ये वो मजदूरी करके सारा पेट यानी आटा थी वेंदा, दाना थी वेंदा, असा बच्चे का पेट पाले। साकू पंजा किलो का गट्टू बीज का त्रोड़ा जरा मिले, असा उनके नाल आराम नाल पंजा मन कणक है ना सी हासिल की एकड़ चो। उस तो बाद इन्हें अप्रैल दे विच ही साल अप्रैल दे विच साडा खाला बनाए, अच्छा ई इलाके दे तकरीबन ही साडी यूनियन काउंसिल दे तकरीबन जके खाले बनाए ने, बाकी असा ई के बी दे बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर ए ना दी ते तकरीबन असा पाँच सात साल ते आराम नाल असा पिछा से ना ए शादाबी होंदी ना ए कोई शै साडी ज़रात काश्त करेगी। मेरे इलाके में तकरीबन 40 से 50 लोग हैं, किसान हैं जिनकी के बी वालों ने इमदाद किया है, उनको खाद बीज भी मिला था और उनको मशवरे भी दिए गए, फसलां काश करूँ सारे कोई चीज़ कोई नहीं, अगो फसलों का काश करना टाइम आई जैसे पहली गंदम की काश्त आई, हूँ गंदम की काश्त आके सारे को इतना के बी पहुँची है, पहले पहले मरहल जी के बी पहुँची है, ऊँ आके इतना इलाके का सर्वे किए, जिर जितने काश्तकार इतना एक एकड़ तो दूए कर दें, उन्हें को खाद बीज दिते हैं, खाद बीज उन्हें कणक काश कराई है, कणक काश करा तो सारे को फसलां थी गए, दाने तो पहले खत्म थी चुके हैं, उन्हें सारे को 40 मन औसत ही सारे को कणक गंदम सगो औसत देनी है, 40 मन सारे को इतना था कि जेरे घर की जरूरत है 20 मन 25 मन वो असं घर रख दिए, बाकी असं को बेच के अगले नवे काम किया, मतलब अगले साल कितने भी असं एक एकड़ कितने अपना बीज हूँ बीज विचोर महफूज करके कोई बीज बहुत अच्छे आना, बाकी उनके बाद अगला मरहला इन्हें शुरू किए काम ही था कि बोर पीटर का वाला बोर पीटर खराब हैं, जिन्हें लोगों के वो बोर पीटर इन्हें बनाए, जिन्हें जिन्हें खराब हैं वो इन्हें काम किए, उनके तो बाद वाला इन्हें डीजल दिता है, उन्हें पूरे इलाके को जिन्हें बोर पीटर बनाए ने उन्होंने लोगों को डीजल दिता गया, खाले त्रुट गए वाला खाले बनाए ने, खाले बनावन के उत्ते उन्हें एक किया है, खाले जिस टाइम इन्हें बनाए खाले बनावन तो बाद इन इलाके तो लेबर की दीन है, इलाके की लेबर आई खाले बनावन तो फायदा इतना कि साजा खाले बन गए साजा जरी जमीन शराब थी जरा इलाका है, यहीं पर भी सारा गुजारा है, तो बाकी मजदूरी इन्हें खुद दी है के बी वाले उन्हें को मजदूरी भी दी है, मजदूरी ना लेकर उन्हें हर बंदे जरा भी कोई टाइम उन्हें अपना जाए क्या कहते हो अपनी शाम को मजदूरी घन के अपने बच्चे कितने घन के आए, पैसे भी उन्हें नक दीता है, कहीं बंदे कोई परेशानी नहीं थी। बुला उस तो बाद अगला मरहला इन्हें शुरू किया है सब्जी का, सब्जी यह है कि सारे इलाके पूरे च भी इन्हें चार पाँच जितने बस उन्होंने सब्जी काश कराई है, सर सारे ने इमदाद की है और जितनी थी है उन हद को ज़्यादा यानी आप नाल मेहनत उन्हें की है सारे नाल, सब घर वालों के घर घर गए औरतें के ना लिखे ने और सब्जी का बीज लीते ने, सब्जी काश्त करवाई ने, जमीन बनवाए ने, बहुत बहुत इन्हें का शुक्रिया अदा करें ने आशा। इस प्रोजेक्ट की साफ और शफाफ तरीके से कामयाब तकमील में मॉनिटरिंग को बुनियादी अहमियत हासिल रही और न सिर्फ कैबी बल्कि वेल्टुंगर हिल्फे और दूसरे इदारों ने भी मुख्तलिफ मरहलों पर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की और इस प्रोजेक्ट को बेहद सराहा। फॉर मी टुडे इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर एट द क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम कैबी व्हिच वाज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड ओवर द लास्ट मंथ्स एंड द पार्टनरशिप विद कैबी हाउ आई परसीव is a very fruitful partnership and for the future I hope sincerely that this partnership with KEBI will continue here in Muzaffargarh.
So when I describe the cooperation between Welthungerhilfe and CABI, I have very positive thinking of CABI. We had a very, very good communication with CABI, and whenever there was any issue, when we wanted to go to the field, when there was something going on, CABI was always very spontaneous and very flexible to lead our colleagues to the field. And whenever I went to the field, I could admire the project activities of CABI, which always run very well. اس پروجیکٹ کی رنگ رنگ اختتامی تقریب میں اس پروجیکٹ سے مستفید ہونے والے 13 یونین کونسلوں کے کسان معززین شہر ضلع مظفر گڑھ کی انتظامیہ اور اس پروجیکٹ کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ٹیم کے ارکان شریک ہوئے اور اپنے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں پروجیکٹ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کیبی ساؤتھ ایشیا کا جو یہ پروجیکٹ تھا اس میں میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس دوران ناٹ ایون اے سنگل کمپلینٹ واز ریسیوڈ۔ اپنے اس ضلع کے عوام کی طرف سے جتنے لوگ ان کے اس پروجیکٹ سے مستفید ہوئے، جو بھی بینیفیشریز ہیں ان کی طرف سے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، تہ دل سے مشکور ہوں اپنے بھائیوں کا اور ان کو اپنا یہ پروجیکٹ انتہائی شفاف اور ایماندارانہ طریقے سے مکمل کرنے پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ہمارے اس پروجیکٹ کی سب سے جو منفرد چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو جب کھاد اور بیج گندم کا پرووائڈ کیا، ان کو کھالے اور ٹیوب ویل مرمت کر کے دیے، تو ساتھ ساتھ ہم نے ان کی ٹریننگ بھی کی کہ وہ بہتر سے بہتر پیداوار کیسے لے سکتے ہیں، کیسے اپنی فصل کو بڑھا سکتے ہیں، ان کو جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ایگریکلچر کی وہ بھی ان کو سکھائی گئیں، اور اس سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ہمارا پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد اب لوگوں کے پاس اپنا بیج پیدا ہو گیا ہے، اب وہ اپنی فصلات کو بہتر طریقے سے کاشت کر سکتے ہیں اور وہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ اپنی کھانے پینے کی ضروریات وہ اپنے کھیتوں سے خود پوری کرتے ہیں۔